हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद्यतिमन। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से बिग अपडेट आई है 3 जुलाई की। केंद्रीय विद्यालय में नई बंपर शिक्षक भर्तियां होनी है, और ये मैं बात कर रही हूँ 2023-24 के सेशन की, यानी कि इसी वर्ष या 1-2 महीने में आप कह सकते हैं यहाँ शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। जितने भी रीजन हैं केंद्रीय विद्यालय के, जैसे कि आगरा रीजन है, अहमदाबाद रीजन है, बेंगलोर रीजन है, भोपाल रीजन है, इसके अंतर्गत जितने भी केंद्रीय विद्यालय आते हैं, कुल 450 केंद्रीय विद्यालयों में ये नई शिक्षक भर्ती होनी है, जिसका नोटिस जारी किया गया है। जैसे आगरा रीजन है, तो आगरा रीजन के अंतर्गत जितने भी केंद्रीय विद्यालय आते हैं, यहाँ पर जो है शिक्षकों की भर्ती होगी। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो नोटिस में जो है वो हम पढ़ लेते हैं। ये जितने भी स्कूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो है किसी न किसी रीजन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि दिल्ली रीजन के अंतर्गत जो है ये सारे स्कूल हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली रीजन के अंतर्गत जो है इतने सारे स्कूलों की बात है। तो अभी जो है हम ये 9 पेजेस की जो है वो PDF है, जिसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, देखिए, एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड केयर गिवर्स। इनको टीचर्स की जरूरत है और केयर गिवर्स की जरूरत है, यानी छोटे बच्चों की बात हो रही है। बाल वाटिका 3 जो है वो खोले गए हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो यहाँ पर छोटे बच्चों की केयर और उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स की आवश्यकता है, और 450 KVS में ये भर्ती होगी। जितने भी स्कूल मैंने दिखाए हैं, हर स्कूल में दो दो टीचर्स जो है यहाँ पर मांगे गए हैं। तो यहाँ पर ECCE ट्रेन टीचर्स, या देखिए, अ टोटल ऑफ 2 ECCE ट्रेन टीचर शैल बी एंगेज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यहाँ पर परमानेंट होगी, ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल, यानी आप देख सकते हैं कि 1 महीने, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ही जो है इन टीचर्स को यहाँ पर रख लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। उसके बाद ये परमानेंट वैकेंसी जो है इन्हीं की निकालेंगे। और अगर आपने ECCE किया हुआ है, या क्लास 10th आपने कर रखी है, या एंटिटी कोर्स आपने किया है, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। प्री प्राइमरी स्कूल हम इसको कह सकते हैं। यहां पर उम्र जो है वो 18 साल जो है वो मिनिमम मांगी गई है, मैक्सिमम जो है यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रही है, मुझे भी नहीं दिखाई दी, तो मैंने आपको बता दिया है मिनिमम जो है, यानी कम से कम जो 18 साल आपकी होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो हम नोटिस देख लेते हैं। ये जो नोटिस है ये 29/6/2023 का है, ठीक है, और जो अभी जो न्यू अपडेट आई है वो 3 जुलाई की है। वहाँ हम देखेंगे, पहले इस नोटिस को देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसका, कि ओपनिंग ऑफ वन सेक्शन ऑफ बाल वाटिका 3। बाल वाटिका 3 जो है वो इनको इनकी ओपनिंग होगी, जहाँ पर फॉर चिल्ड्रन ऑफ 5th+ ईयर ऑफ एज, ठीक है, 5 साल से अधिक के जो बच्चे हैं यहाँ 450 KVS रीजन में यहाँ पर पढ़ेंगे, तो यहाँ टीचर्स की जरूरत तो होगी ही। 450 KVS फ्रॉम द करंट एकेडमिक सेशन 2023-24, इसी सेशन की बात है। और मेरे ख्याल से जो है वो आप लोगों को 2-4 दिन में ही नोटिफिकेशन इसका जारी जैसे ही हो जाता है, तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और बेल बटन प्रेस जरूर करना होगा, तभी आपको पता लग पाएगा। जो भी न्यू अपडेट होती है उसी दिन आप देख लें तो वो बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, डेट निकल जाती है और बच्चों को पता भी नहीं लग पाता है। तो करंट एकेडमिक सेशन के लिए ये सारी जो है वो टीचर्स की जो है वो डिमांड की जा रही है, 2023-24 यानी इसी साल की है। और ये जो भर्ती है आप देखेंगे कि ये 1 मंथ में जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑथेंटिक साइट जो है, यहाँ पर आप जो है वो देख लें बिल्कुल सही तरीके से, कि क्या जो मैंने आप लोगों को नोटिस पढ़ाया है, दिखाया है, वो बिल्कुल सही है या नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आँखों से ना देखें तो जब तक उसको सही नहीं मानना चाहिए। ऑथेंटिक साइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 जुलाई का जो है ये नोटिस है। ओपनिंग ऑफ वन सेक्शन ऑफ बाल वाटिका 3 फॉर चिल्ड्रन ऑफ 5+ ईयर ऑफ एज इन 450 KVS रीजन, ठीक है, 450 KVS जितने भी रीजन है यहाँ पर इनकी ओपनिंग की गई है। इसको जो है हम देख लेते हैं इसमें क्या है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको जो है आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।